सो लेट्स बिगिन विद आर्टिकल 29, 30 एंड 31। क्या दे रखा है आर्टिकल 29 में, क्या दे रखा है? अभी हमारे शुरू हो गए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इन बेसिकली दो राइट्स में ना मोटी मोटी से बात करेंगे कि जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनके राइट्स कैसे हैं, उनके राइट रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ देयर कल्चर एंड एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिकली माइनॉरिटी के लिए है। तो आर्टिकल 29 के बारे में बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, माइनॉरिटी की डेफिनेशन मैं आगे बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या अभी जिस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं वो माइनॉरिटी क्या है। आर्टिकल 30 क्या बात करता है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि जो माइनॉरिटी है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने लिए बना सकता है और उसको एडमिनिस्टर कर सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल अगर मैं बात करूं 31 की, 31 इज ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब हटा दिया गया है। ठीक है, पर हम इसके बारे में बात करेंगे क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी 30 को हटा, आर्टिकल 31 को हटा करके कहां लेकर के गए हैं, 300A में, है ना। ये था आपका राइट कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। ठीक है, सबको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, पर अभी ने कहा कि अधिकार तो है पर वो आपका सिर्फ लीगल अधिकार है, कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल राइट होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और फंडामेंटल राइट कोई वायलेट करेगा तो आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, है ना। पर अब इसीलिए इसको हटा दिया है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को काफी सारी जमीन एक्वायर करनी थी, है ना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर फंडामेंटल राइट रहा तो लोग इसको एक्वायर नहीं करने देंगे, तो उन्होंने इसको हटाया अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में और उसको 300A में ले गए। तो अब वो आपका क्या है, लीगल राइट। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो हियर इज आर्टिकल 29, दो सेक्शंस हैं आर्टिकल 29 के। आर्टिकल 29 कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट, ठीक है, किसी भी पार्ट में रहने वाले उन लोगों को क्या है, लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का राइट है। तीन चीजों का राइट, किन चीजों का, कल्चर स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, तीनों वर्ड याद होने चाहिए कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29(1) किस चीज का राइट है, टू कंजर्व लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ठीक है, क्या इसमें कहीं माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, नहीं हुआ ना, तो ये बेसिकली सबको अवेलेबल है। कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी डिस्टिंक्ट है, मेरी स्क्रिप्ट बहुत अलग है दूसरों से, आप चाहो तो उसको कंजर्व कर सकते हो, आप चाहे माइनॉरिटी हो और आप चाहे मेजॉरिटी हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट टू बोलता है नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या तो मेंटेन्ड बाय स्टेट है, स्टेट का मतलब सरकार के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, या फिर सरकार से उसको पैसे मिल रहे हैं, इसमें किसी भी इंसान को एडमिशन लेने के लिए बेसिकली मना नहीं किया जाएगा। किस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी रेस क्या है, आपका कास्ट क्या है, इस आधार पर आपको किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता। पर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, या तो सरकार के द्वारा मेंटेन होना चाहिए या सरकार के पैसों से चलता हो। ठीक है, ये वर्ड याद रखने, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज है, है ना। तो बेसिकली ये बोलता है आपका आर्टिकल 29, कुछ चीजें हैं इसमें जो लिख लो आप। इट गिव्स, ये तो लिखना ही लिखना है, इसके अलावा बता रही हूं, ये दोनों लाइंस तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, इट गिव्स, जो मैं आपको डिक्टेशन कराती हूं वो अपार्ट फ्रॉम दैट होती है, कि अगर कुछ और चीजें इसके अलावा है, पीपीटी पे सारा कंटेंट नहीं डाल सकते ना, तो मैं उसके अलग जो होती है वो डिक्टेट कराती हूँ आपको, ये तो नोट करना ही है। क्या लिखवाया मैंने, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू रिलीजियस
टू रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. ठीक है, ये जो वर्डिंग है ये उनके लिए थी. बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट सेड दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी. अच्छा, तो हमने बड़ा इसके बारे में माइनॉरिटी मेजॉरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं. व्हाट इज बेसिकली मेजॉरिटी इसके हिसाब से, सॉरी माइनॉरिटी. कितना लेस कहां पर, पूरे देश में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में? ओके, तो बेसिकली यहां पर जो है वर्ड के दो सेंस में माइनॉरिटी यूज हुआ है. कौन सी दो सेंस है माइनॉरिटी की? एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पर. ठीक है, एक धर्म के आधार पर माइनॉरिटी, दूसरी भाषा के आधार पर माइनॉरिटी. ठीक है, तो ये कहता है कि देखो अगर मैं पूरे देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी निकालने लगूं तो कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर रीजन में माइनॉरिटी में होंगे, दूसरी जगह पर वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर साफ सी पिक्चर पर पहुंच नहीं पाएंगे, है ना. तो इसने कहा कि जो आपकी माइनॉरिटी की डेफिनेशन है वो स्टेट वाइज होती है. ठीक है, यूनियन लेवल पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होती. तो ऐसे लोग जिनकी संख्या भाषाई आधार पर या धर्म के आधार पर बाकी के 50% से कम है उसको मैं माइनॉरिटी कहती हूँ किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में. नहीं, संविधान में इस चीज को नहीं बताया गया है क्लियरली. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि स्टेट में जो एक पर्टिकुलर रिलीजन या भाषा को फॉलो करते हैं उनकी संख्या अगर 50% से कम है तो हम उसको क्या कहेंगे, माइनॉरिटी में कंसिडर करेंगे. स्टेट टू स्टेट डेफिनेशन वेरी करती रहती है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आंध्रा की, वहां मेजॉरिटी क्या है, तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं. भाषाई आधार पर मेजॉरिटी कौन हुए, तेलुगु वाले लोग. पर वहां पर कोई थोड़ी बहुत पॉपुलेशन तमिल भी हो सकती है या किसी और लैंग्वेज की भी हो सकती है, वो वहां पर माइनॉरिटी में होंगे. ठीक है, तो देश के आधार पर हम पूरे यूनियन गवर्नमेंट के आधार पर हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं क्लियरली डिफाइन कर सकते. तो हमने स्टेट को बेसिक यूनिट बना दिया टू बेसिकली डिफाइन माइनॉरिटी. तो स्टेट इज द यूनिट फॉर बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी की, ये फॉर कंसीडरिंग द माइनॉरिटी की, ये माइनॉरिटी कहलाएगी. ठीक है, चलिए. तो आर्टिकल 29 में मैंने लिखवाया कि ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों के लिए है, सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ऐसा नहीं बोल सकते. क्योंकि देखो भाषा को कंजर्व करने का अधिकार तो सबको होना चाहिए, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब में पंजाबी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में बोलने वाले मेजोरिटी में लोग हैं, पर दैट डजंट मीन ना कि उनको राइट नहीं है उसको कंजर्व करने का. कंजर्व तो फिर भी कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट तो फिर भी कर सकते हैं, है ना. तो आगे लिखेंगे राइट टू कंजर्व लैंग्वेज इंक्लूड्स राइट टू एजिटेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साथ में क्या कहा कि राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज ऑल्सो इंक्लूड कि वो एजिटेशन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं अपने जो है लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो अभी हम साथ में क्या पढ़ रहे हैं, दूसरी क्लास में आरपीए पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट.
उसमें कहा कि अगर आप वोट लेने के लिए कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस के नाम दिए गए कि जिनको क्या कहेंगे करप्ट प्रैक्टिसेस कहेंगे, आप इनका नाम लेकर के वोट नहीं मांग सकते, बट लैंग्वेज के आधार पर वोट मांगी जा सकती है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको तो एजिटेशन करने का राइट है अगर आपकी भाषा को कंजर्व नहीं किया जाए, ठीक है, पर क्या धर्म के आधार पर वोट मांगना करप्ट प्रैक्टिसेस है? हाँ वो है, ठीक है। तो ये आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि धर्म के आधार पर अगर वोट मांगेंगे तो करप्ट प्रैक्टिसेस काउंट होगा अंडर आरपीए और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बट अगर आप भाषा के आधार पर वोट मांगोगे तो दैट डज नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आर्टिकल 30 पे। आर्टिकल 30 बोलता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये राइट है माइनॉरिटीज के लिए, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दिस इज फॉर द माइनॉरिटीज, ठीक है। ये कह रहा है ऑल माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो चाहे वो भाषा के आधार पर हो, ठीक है, उनको क्या राइट है? टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसका एक एग्जांपल बता सकते हैं जो माइनॉरिटी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को चला रही है अपने अपने रिलीजन के? इसी को लेकर के एक केस है सेंट स्टीफन्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे करके कुछ है, एक केस है वो मैं लिखवाऊंगी तुम्हें। हाँ स्कूल बताओ उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहाँ चलाते हैं? एग्जैक्टली, परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। तो उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो चाहे भाषा के आधार पर माइनॉरिटी है चाहे वो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी है, उनके बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और वो एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। वेयर? इन असम, दैट इज टोटली इलीगल। बट अभी आगे टेक्निकलिटीज पढ़ना, हर चीज के पीछे बट है। आपको राइट है पर, आपको राइट है पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर मनमर्जी चलाई जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रहकर ही आपको वो एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करना है। छोटे छोटे वर्ड है जिनको लेकर के आपको भी आगे क्लैरिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इसका 1A पार्ट, सब क्लॉज है। अगर इनकी प्रॉपर्टी, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर करती है, किनकी? इन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो इंश्योर दैट अमाउंट फिक्स्ड और डिटरमाइंड अंडर सच लॉ फॉर एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है। और वो क्या करे? वो इनका राइट एब्रोगेट ना करे, कंपल्सरली आपको कंपनसेशन देना होगा। ये तब पढ़ेंगे, इसको रिलेट करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी के साथ। दो केसेस में राइट टू प्रॉपर्टी के अंडर कंपनसेशन आज भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को। पहला तो वो ये कि जब वो माइनॉरिटी एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा हो, अनदर वन इज जब वो एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर कर रहा हो। इन दो केसेस में आज भी कंपल्सरली गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे में ये कहता है। थर्ड वन इज कि गवर्नमेंट जो है ना, जब भी एड या सहायता प्रदान करेगी, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे वो कैसे भी सहायता है, वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, कि जब भी द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, ये तो माइनॉरिटी का है तो गवर्नमेंट एड देते टाइम भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। थर्ड चीज ये, तो आर्टिकल 30 में अभी तक हमने पढ़ी तीन चीजें, ठीक है। पहली चीज क्या कि हर माइनॉरिटी को एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार है। दूसरा, अगर उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाएगा तो गवर्नमेंट कंपल्सरली उनको कंपनसेशन देगी, ऐसा कंपनसेशन देगी जो लॉ के तहत जो है मान्य होगा और वो इनका ये वाला राइट एब्रोगेट नहीं करेगी। नंबर थ्री कि गवर्नमेंट जब भी सहायता प्रदान करेगी, एड देगी, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो माइनॉरिटी का है, ठीक है। तो तीन बातें ये यहां पर कहता है। तो लिखो आर्टिकल 30 में, इट इज कंफाइंड ओनली टू माइनॉरिटी,
बट द टर्म इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द टर्म इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. It also includes the right of a minority to impart education to its children in its own language. ठीक है. अब ये कहता है कि चलो मैंने बोल दिया कि माइनॉरिटी जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकती है, उनको एडमिनिस्टर कर सकती है. पर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये किस बात पर डिपेंड करता है, कब तक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रहेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी. तो लिखिए, एनी इंस्टीट्यूशन रिटेन्स इट्स माइनॉरिटी कैरेक्टर its minority character as long as it adheres to two objectives. objective का क्या मतलब होता है, गोल है ना, ऐसा कह सकते हैं ना. जब तक ये दो गोल रखेगा वो अपने सामने तब तक वो minority education institution है. नंबर वन enabling minority to conserve religion or language or both. नंबर टू to give a thorough good and general education to children to give thorough good and general education to the children belonging to such minority. ठीक है, तो अगर मुझे ये चेक करना है कि ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, या बेसिकली इसका कैरेक्टर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है या नहीं है, जैसे एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के हुआ था. ठीक है, तो मैं क्या दो चीजें देखूंगी, पहला तो ये देखूंगी कि क्या ये उस माइनॉरिटी की लैंग्वेज और रिलीजन को कंजर्व करने का काम कर रहा है. नंबर टू, क्या ये उन बच्चों को, उस माइनॉरिटी के बच्चों को क्या दे रहा है, गुड थोरो एंड जनरल एजुकेशन. जनरल का मतलब सेक्युलर है ना, सेक्युलर कंपोनेंट भी होना चाहिए उस एजुकेशन में. ठीक है, तो मैं इन दो क्राइटेरिया पर बेसिकली चेक करूंगी. ठीक है, तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इंक्लूड्स फॉलोइंग राइट्स. क्या कह रहा है 30, क्या कह रहा है 30 का 1, ऑल माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज राइट टू एस्टैब्लिश एंड मिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. पर इसमें कुछ और राइट भी इंक्लूडेड है, कौन कौन से वो लिखेंगे. नंबर वन, चूज द गवर्निंग बॉडी टू कंडक्ट एंड मैनेज इट्स अफेयर्स. ठीक है, गवर्निंग बॉडी को चूज करने का अधिकार उनको कि कौन कौन से लोग मैनेजमेंट में होंगे. ठीक है, नंबर टू, अपॉइंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ. नंबर थ्री, एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ देयर चॉइस and a reasonable
फीस स्ट्रक्चर। नंबर फोर, यूज इट्स प्रॉपर्टी एंड एसेट्स फॉर बेनिफिट ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पहला तो 30 में पहली चीज में तो क्या है, ये राइट जो है वो उसको मिले हुए हैं। ठीक है, अब पार्ट टू, इसी का 2 पॉइंट कर लो। राइट इन आर्टिकल 30 राइट्स इन आर्टिकल 30 इंश्योर्स इक्वालिटी विद मेजॉरिटी not to place minority on advantageous position। ठीक है, ये क्या कहता है कि देखो आर्टिकल 30 में जो राइट्स दिए गए हैं उनका पर्पस क्या है कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के इक्विवेलेंट ला दिया जाए, इक्वल ला दिया जाए, ना कि ये पर्पस है कि उनको के बेसिकली क्या कर दिया जाए, एडवांटेजियस पोजीशन पर रख दिया जाए। तो एडवांटेजियस पोजीशन पर रखना इसका पर्पस नहीं है, इसका पर्पस है इनको इक्वल पोजीशन पर ला। ठीक है, सो शिखा सो गई, शिखा लिखते रहो। सो जनरल लॉज रिलेटेड टू हेल्थ सैनिटेशन नेशनल सिक्योरिटी टैक्सेशन लेबर लॉज will be equally applicable to the minority institutions, है ना। तो ये कह रहा है कि देखो पर्पस सिर्फ उनको इक्वालिटी पे लाना है, ना कि उनको कोई एडवांटेज देना, तो उनको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। सारे जनरल लॉज जैसे कि सैनिटेशन के क्राइटेरियाज, जैसे कि उनको मान्यता प्राप्त कराना एटसेट्रा, और उनमें जो है लेबर लॉज इंक्लूडेड की सैलरी किसको कितनी मिलनी चाहिए, मिनिमम वेज कितने होने चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड लॉज, टैक्सेशन से रिलेटेड लॉज, ये जो जनरल लॉज है सारे उनके ऊपर इक्वली अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं नंबर 3। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। देखो राइट तो एब्सोल्यूट है ही नहीं, नॉट इंक्लूड आपका राइट टू लाइफ भी नहीं है, उसको भी लॉ के तहत ले लिया जा सकता है, फांसी की सजा होना आपकी लाइफ को लिया जा सकता है, बट जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो राइट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, दे आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, है ना। आप एंजॉय कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंजॉय कर सकते हो, पर ऐसा थोड़ी आप किसी को जो है किसी के लिए डेरोगेटरी रिमार्क करोगे, है ना। तो सभी क्या है, सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। सो दिस इज ऑल्सो द सेम, है ना। सो इसमें लिख सकते हैं नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। सो देर इज नो राइट टू मैल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, बुरे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रखना। आपको उस चीज का अधिकार नहीं मिला है, आपको सिर्फ एस्टेब्लिश करने का और बेसिकली मैनेज करने का अधिकार मिला है, तो आपको जनरल लॉज को फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पे टीचर्स की क्वालिफिकेशन है पीजीटी के लिए, आपकी मास्टर्स एंड बीएड, वहां आप कह दो कि नहीं आठवीं वाला पढ़ाएगा बारहवीं को, ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं है, आपको सिर्फ एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेट करने का अधिकार है। ठीक है, सिलेबस है,
करिकुलम है, टीचर्स की एलिजिबिलिटी है, ये सब तो नॉर्मल ही चलेंगे जैसे होता है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ कुछ चीजों में फ्री है, फॉर एग्जाम्पल फी स्ट्रक्चर डिसाइड करने में, बट वो रीजनेबल होना चाहिए। अब यूनिफॉर्म भी सेम रीजनेबल होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी फिर वो कुछ भी कर लेंगे। कोई भी चीज ये नहीं हो सकती कि कोई कुछ भी कर सकता है, इस देश में ये अधिकार किसी को नहीं है ना। स्विम सूट तो नहीं लगा सकते है ना, तो वो रीजनेबल होना चाहिए, आप कुछ भी लगा सकते हो। तो इसीलिए कहा है फ्रीडम है बट दे आर रिस्ट्रिक्टेड बाय रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो कुछ चीजों में आपको आजादी, फीस डिसाइड करने में, अपना स्टाफ अपॉइंट करने में और यूनिफॉर्म्स डिसाइड करने में, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, आपको लॉ तो फॉलो करने पड़ेंगे आप जिस देश में हो। ठीक है, चलिए नंबर फोर लिखो इसी में, अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। अनएडेड का मतलब है जो सहायता प्राप्त नहीं है, सरकार से किसी तरह की मदद नहीं ले रहे, फाइनेंशियल भी नहीं ले रहे, सो दे हैव फ्रीडम टू अपॉइंट, दे हैव फ्रीडम टू अपॉइंट टीचर्स, टीचर्स सब्जेक्टेड टू एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सब्जेक्टेड टू एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड क्वालिफिकेशंस, एंड क्वालिफिकेशंस। केस है सेंट जेवियर्स, सेंट जेवियर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सेंट जेवियर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 सुप्रीम कोर्ट। एक केस में ना चार ही चीजें रिलेवेंट होती हैं, कौन जो है बेसिकली किसके अगेंस्ट है, किसने किया है, कौन से साल में किया है, ये बात कौन सी कोर्ट ने बोली। ठीक है, तो ये बेसिकली केस आया था, तो इसमें कहा था कि देर इज नो राइट फॉर एफिलिएशन फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बाकी ये सारी बातें बोली ही थी कि आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी डिफाइन जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी, टीचिंग स्टाफ को लेकर के भी वो बेसिकली रेगुलेटरी नॉर्म सारे फॉलो करने पड़ेंगे, और साथ में क्या बोला कि आपको एस्टैब्लिश करने का अधिकार है, एडमिनिस्टर करने का अधिकार, पर ये नहीं है एफिलिएशन ले लोगे, ये तो आपको कुछ सर्टेन कंडीशन क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एफिलिएट होने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ बेयर मिनिमम पूरा करना पड़ता है, तो कोई मदरसा जाकर ये नहीं बोल सकता कि मेरा तो राइट है रिलीजन के आधार पर स्टडी, अब मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ, नहीं, यू हैव टू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स, एस्टैब्लिश करना इज ओके, पर एफिलिएशन लेना कि मुझे तो एफिलिएशन चाहिए, सो यूनिवर्सिटी चाहिए, मेरा राइट है, नो, जो कंडीशंस पूरी करो आपको एफिलिएशन मिल जाएगा, बट एफिलिएशन का राइट नहीं है ना। देखो कितनी छोटी छोटी बातें कि एस्टैब्लिश करने का राइट है बट एफिलिएशन का राइट नहीं। कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकती किसी के लिए भी, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर आपको जो कुछ स्टैंडर्ड है देश में, एजुकेशन के स्टैंडर्ड है, टेक्निकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड है, मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड है, वो तो आपको पूरे करने पड़ेंगे। आप इमेजिन करो वो कहें कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे हम, डॉक्टर्स बनाएंगे माइनॉरिटी वाले, और वो कोई भी कंडीशन फुलफिल करने से उनके लिए कंपलसरी नहीं है, तो इमेजिन करो कैसे डॉक्टर्स निकलेंगे। तो आपको मेडिकल काउंसिल से एफिलिएशन लेना पड़ेगा, और अगर मेडिकल काउंसिल से एफिलिएशन लेना है तो उनके शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आंसर हो जाते हैं। राइट टू एफिलिएशन दे दिया तो चले जाएंगे कि हमें तो बना दो मेडिकल कॉलेज, जी ओटी है नहीं है, प्रोपरेशन कहां करोगे पता नहीं है ना, बच्चों को सिखाओगे कहां पे डाइसेक्ट करना पता नहीं है ना, तो फिर वो क्या मतलब वो कैसे डॉक्टर्स निकालेंगे। तो आपको बेसिकली अगर एफिलिएशन लेना है तो आपको संस्था के रूल रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे, है ना, ये नीट वाले डॉक्टर्स फिर मीम बने उनपे भी, है ना। अच्छा, अब ना बेसिकली, और इसमें क्या किया, इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 29(1) और 31 के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया, कि बेसिकली जितना 29(1) क्या था,
कि भाषा का, स्क्रिप्ट का और बेसिकली आपको कंजर्व करने का राइट है, ठीक है। 31 में क्या कहा, एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का राइट है। इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, तो दोनों के बीच में आप बेसिकली 29 ऐसे करके ना दो पार्ट में लिख लो, एक साइड लिखो 29(1), एक साइड लिखो 30(1), ठीक है। इसको बोलते हैं क्लॉज। इसके बाद भी अगर मैं ABCD कुछ लगाना चाहूं उसको बोलेंगे सब क्लॉज, ठीक है। लिखो 29(1) आपको तो पता है माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों के लिए है, तो लिख लो माइनॉरिटी प्लस मेजोरिटी, और 30(1) 30 क्लॉज 1 ओनली माइनॉरिटी। किन तीन चीजों का जिक्र मिलता है 29(1) में, लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट। और इसमें लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। सो इसमें लैंग्वेज एंड रिलीजन 29(1)A किसकी बात करता है, कंजर्वेशन की बात कर रहा है इन तीन चीजों की। 31 के इसकी बात कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है। हाँ, डिफरेंस पता चल गया दोनों के बीच में, या रिलेशन की बात कर सकते हैं इसमें। चलिए आर्टिकल 30 क्लियर, कुछ और तो नहीं बचा जो मुझे इसमें नोट कराना है। ओके, लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, रिकॉग्नाइज्ड प्लस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, receiving aid from the state. Number 2, only recognized, only recognized, मतलब देखो एक तो हो गया recognized plus aided, number 2 सिर्फ recognized। अब इन दोनों के साथ में ऐसे करके लिख देना, ठीक है। Regulated by state with respect to syllabus, academic standards, employment of teaching staff, etc. ठीक है, तो सरकार इनको क्या करेगी, रेगुलेटेड। क्यों? क्योंकि ये तो स्टेट से एडेड है और रिकॉग्नाइज्ड है, तो स्टेट जो है इंटरफेरेंस रखेगी। नंबर 3, नीदर रिकॉग्नाइज्ड नॉर एडेड। ठीक है, they are free to administer their own affairs, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनली अभी हम बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जिसको ओमिट कर दिया गया है,
44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ठीक है, अभी नहीं है ये, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 नहीं देखोगे, इसको ओमिट करके कहां ले गए 300A में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीजें लिख लेंगे। इसको ना बेसिकली दो चीजें, एक तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 किस किस को पता है, हाँ फंडामेंटल राइट्स थे उसमें कुछ, कि छह तरह की फ्रीडम मिली थी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19, पहले सातवीं तरह की फ्रीडम और थी जो मैंने उसमें नोट कराया है शायद आपको, राइट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, एक्वायर एंड होल्ड द प्रॉपर्टी, है ना, अब वो नहीं है। तो पहला चेंज तो कहां किया गया, आर्टिकल 19(1)(f) में किया गया। दूसरा चेंज कहां किया गया, जब इसको हटाया, आर्टिकल 31 में किया गया, ठीक है। तो अभी इसके बारे में लिखेंगे। इन 1949 में कब की बात कर रही हूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, देर वॉज थ्री फोल्ड प्रोविजन टू सेफ गार्ड राइट टू प्रॉपर्टी, it was not only right to private ownership but right to enjoy and dispose of property, ठीक है। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय कर सकते हैं, उसको डिस्पोज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो राइट टू इंजॉय और ये डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी था, दैट वॉज लिमिटेड बाय ए टू सर्व एग्जीजेंसीज ऑफ पब्लिक वेलफेयर, by the state to protect the interest of any scheduled tribe, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि जब मैंने कहा कि 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ने थ्री फोल्ड सेफ गार्ड दिए लोगों को उनकी प्रॉपर्टी के लिए, तो पहला दिया आर्टिकल 19(1)(f), ठीक है, फर्स्ट सेफ गार्ड आर्टिकल 19(1)(f), राइट टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी, एक्वायर का मतलब क्या होता है, मेनी पर्सन इंडिविजुअल, राइट टू एक्वायर का मतलब प्राप्त करना, है ना, प्रॉपर्टी को प्राप्त करना, लेना, प्राप्त कैसे हो सकती है, वो राइट नहीं है, वो राइट नहीं आएगी, है ना, वो राइट थोड़ी है कब्जा करके, है ना। तो पहला क्या है, अपनी खुद की अर्निंग्स है, बाय द वे ऑफ अर्निंग, है ना, एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी, पहला तरीका तो क्या है, अर्निंग। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, अरे बाप दादा नाम करा जाए, इनहेरिटेंस, है ना, इनहेरिटेंस। तीसरा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, गिफ्ट हो सकता है, दोस्त निकम्मा है, उसके पापा ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, ऐसा भी हो सकता है ना, अडॉप्ट, हाँ एग्जैक्टली, तो ये सारे इंक्लूड हो गए अदर मींस, ठीक है। तो कहां आपके पास राइट है ये प्रॉपर्टी प्राप्त करने का, या तो अर्निंग से अपनी खुद की, या इनहेरिटेंस से, या किसी और अलग तरीके से, उसमें कब्जा इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा सेफ गार्ड क्या दिया गया, नंबर टू, सेकेंड सेफ गार्ड, जो कि आर्टिकल 31 था,
नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी, हिज और हर प्रॉपर्टी। ठीक है, कि किसी भी इंसान से उसकी प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी। ठीक है, दूसरा सेफ गार्ड ये था। अब ये कहता है कि क्या कभी भी नहीं ली जा सकती, तो फिर सरकार ने ये सारी मतलब ये फैक्ट्रीज ये सारी चीजें ये कैसे एस्टैब्लिश की है, तो इसके लिए भी तो कुछ रूल होना चाहिए। ऐसे तो लोगों के पास वो मना कर देंगे, सरकार को रोड बनाने के लिए मना कर देंगे कि मत बनाओ यहां से, मेरी मेरी प्रॉपर्टी है, नहीं देंगे तो कैसे एक्वायर करेगी गवर्नमेंट। तो देखे ना तुमने मीम कि वो एक रोड निकल रहा है, वैसे टर्न करके निकल रहा है, एक छोटा सा घर बना हुआ उसको वो नहीं दे रहा है ना, तो फिर ऐसा ही काम होता है वहां पे भी, नहीं दे रहा होता वो पे रोड बनाने में, फिर पता नहीं कैसे कैसे ऐसे जाते रोड, है ना। तो ये कह रहा है कि राइट तो है, बट दिस राइट इज अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव नॉट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव नॉट लेजिस्लेचर। ठीक है, किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं कि किसी ने नोटिस दिया और आ जाओ भाई बाहर प्रॉपर्टी से, हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, नहीं, प्रॉपर लॉ आएगा तो आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, एल्स नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, बट नॉट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो अब आप थर्ड जो है बेसिकली आपका सेफ गार्ड, कि ठीक है लॉ बना दिया, अब लॉ से क्या उसकी प्रॉपर्टी ऐसे ही ले लेंगे, नहीं ऐसे नहीं ली जाएगी। इफ स्टेट वॉन्ट टू एक्वायर और टू रिक्विजिशन, REQUISITION, रिक्विजिशन और एक्वायर में क्या फर्क होता है, वट इज रिक्विजिशन एंड वट इज एक्वायर। एक्वायर का तो मतलब ये होता है कि उसने परमानेंटली ले ली, रिक्विजिशन का मतलब कुछ टाइम के लिए ले ली। ठीक है, फॉर टेम्पररी पीरियड। ठीक है, इफ स्टेट वॉन्ट टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी और टू रिक्विजिशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, देर आर टू कंडीशंस। पब्लिक पर्पज के लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं है नेताजी का घर बनेगा प्रॉपर्टी दे दो, है ना। पब्लिक पर्पज के लिए एक्वायर कर सकते हैं, रोड बनाना पब्लिक पर्पज है, पंचायत घर बनाना पब्लिक पर्पज है। ठीक है, तो पब्लिक पर्पज के लिए। दूसरा पेमेंट, ठीक है, अनदर वन इज प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट टू ओनर, पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं है स्टेट है तो दादागिरी चला देंगे कि प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, पेमेंट करो। ठीक है, और पब्लिक पर्पज के लिए होनी चाहिए, तो दो कंडीशंस है। अब ये जो पब्लिक पर्पज है ना, इसको लेकर के बहुत सारे चेंजेस हुए, तो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, एट्थ में और आपके 25th में, असलियत आती है फिर आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, इसको खत्म ही करो। ऑल दो कंडीशन अभी भी प्रिवेलेंट है, कि एक तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि अगर दो केसेस में आपको कंपलसरी कंपनसेशन देना ही पड़ेगा, द फर्स्ट वन इज जब आप माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी ले रहे हो, दूसरा एग्रीकल्चर लैंड की ले रहे हो। ठीक है, तो अभी लिखो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 अबॉलिश्ड आर्टिकल 31, abolished article 31 and added article 300A, article 300A in part 12, in part 12. So still मतलब देखो 44th में add होने का क्या हुआ, अब मतलब 44 से यहां से हटा दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल वैसे ही ले लेंगे। स्टिल क्या है, देर इज नो डेप्रिवेशन एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, डेप्रिवेशन अभी भी नहीं हो सकता, पर अथॉरिटी ऑफ लॉ चाहे तो
हो सकता है, कोई कानून आ जाए, लॉ आ जाए, है ना, तो हो सकता है। तो अभी क्या इंप्लीकेशन है, जब वो पहले तो फंडामेंटल राइट था, अब वो लीगल राइट बन गया है, तो क्या चेंजेस आए हैं? तो लिखो द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट, द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट हैज फॉलोइंग इंप्लीकेशंस, हैज फॉलोइंग इंप्लीकेशंस। नंबर वन, इट कैन बी रेगुलेटेड, कर्टेल्ड, एब्रिज्ड और मॉडिफाइड, और मॉडिफाइड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट कैन बी रेगुलेटेड, कटेल्ड, एब्रिज्ड और मॉडिफाइड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि संविधान में बदलाव नहीं करना पड़ेगा अब, क्योंकि लीगल राइट है, लॉ में बदलाव करना पड़ेगा, जो कि इजी है। नंबर टू, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट लेजिस्लेटिव एक्शन, नॉट लेजिस्लेटिव एक्शन। नॉट लेजिस्लेटिव एक्शन। नंबर थ्री, इफ वायलेटेड aggrieved person cannot move to supreme court under article 32, ठीक है, under article 32, क्या supreme फिर high court जा सकता है? Good, है ना, देखो रिट मतलब बेसिकली फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 226 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सिर्फ जब जाएंगे जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे भी जा सकते हैं, नॉर्मल लीगल राइट के वायलेशन पे भी जा सकते हो, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। ऑल्दो, आगे लिखो, ऑल्दो रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 टू मूव हाई कोर्ट Still remains. Next, लिखो number 4. No guaranteed right to compensation. ये कब guaranteed right to compensation कब था? जब ये fundamental right था। अभी कोई guaranteed compensation नहीं है, except in 2 cases, है ना? हाँ। No guaranteed right to compensation in case of acquisition or requisition, except in two cases. Number one, when state acquire the property of a minority education institution, Article 30, ये ऐड हुआ 44th Constitution Amendment 1978 में, लिख लो ब्रैकेट में 44th Constitution Amendment 1978। नंबर टू, और दूसरा कौन सा केस है? When the state acquire the land held by a person under his personal cultivation and within the
स्टैट्यूटरी सीलिंग विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग, ठीक है, आर्टिकल 31A। ये ऐड किया 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1964 में। डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कर सकते बट बाय घूम फिर के, है ना, ऐसे तो नहीं कह के ले सकते किसी से प्रॉपर्टी की अंबानी को दे दी है मुझे चाहिए, है ना, ऐसे नहीं कह सकते, बाय इनडायरेक्ट वे ऐसा कर सकते पब्लिक पर्पस के लिए, लिखा ना शब्द पब्लिक पर्पस, तो गवर्नमेंट पब्लिक पर्पस में क्या ऐड कर दे क्या नहीं कर दे, और फिर है ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते सीधे, किसमें क्या चेंज कर दिया, हाई कोर्ट जाया जा सकता है लीगल रेमेडी के तौर पर, नॉर्मल लीगल केस की तरह, ठीक है, ऐसे सीधे सीधे नहीं बोल सकते ना विमानशु कि कैपिटलिस्ट को देनी है। अच्छा नहीं ऐसा तो नहीं, वो कोई टर्म्स एंड कंडीशन होगी, फिर रिलायंस भी कोई पब्लिक पर्पस का काम करता होगा वहां पे, है ना, अब देखो पब्लिक पर्पस के काम के लिए, सारे पब्लिक पर्पस के काम गवर्नमेंट थोड़ी ना करेगी, वो कुछ आउटसोर्स भी कर सकती है ना, लीज पर दे देगी कुछ टाइम के लिए किसी को कि ये जो काम हम पब्लिक पर ये करने वाले थे अभी आप इसको संभालोगे, ठीक है। 17th 1964, ठीक है, तो समझ में आ गया, अभी राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, लीगल राइट का है अंडर आर्टिकल 300A। अब वो बेसिकली क्या है, तो वो आपको फंडामेंटल राइट नहीं रहा, फंडामेंटल राइट नहीं रहा तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और नॉर्मल लीगल रेमेडीज मिलेंगी आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट अब स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनसेशन देने की, क्योंकि ओरिजिनली तो 1949 में बोला था कि आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, थ्री फोल्ड सेफ गार्ड दिया था, तो अब कह रहे हैं कि नहीं कोई कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ दो केसेस में देना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, अगर मैं प्रॉपर्टी लेता हूं जो कि आर्टिकल 29 में मेंशन था, 29(2), देन एग्रीकल्चर लैंड, और वो एग्रीकल्चर लैंड स्टैट्यूटरी सीलिंग्स के अंडर होनी चाहिए, ठीक है, जो लैंड बेसिकली लैंड सीलिंग्स है ना, ये अप्लाई होती है कि एक बंदे के पास सिर्फ इतनी एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, ठीक है, तो वो सीलिंग के अंडर अगर वो जमीन है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, अगर सीलिंग से ऊपर तो फिर ले सकते हैं। तो सारे वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। अब उन्होंने दिया कि एग्रीकल्चर लैंड पर्सनल कल्टीवेशन पर वो लैंड कैसी होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी सीलिंग के अंडर होनी चाहिए, लिमिट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, वो हम फिर वो पढ़ेंगे ना आपका मीन्स में पढ़ेंगे ये सारे लॉज, ठीक है। तो कल हम करेंगे कि एक्सेप्शन कौन कौन से फंडामेंटल राइट के, कि कहां फंडामेंटल राइट आकर के रुक जाते हैं, 31A 31B 31C, ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट, और फिर जो बेसिकली आपके तीन ये बच गए, आर्टिकल 32 33 34 एंड 35 4 सॉरी, है ना, आर्टिकल 32 में क्या है, रिट्स, प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है, तो चार आर्टिकल और दो ये चीजें, एक्सेप्शंस एंड इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट, ठीक है, चलिए।